마신다 마신다 우리 가로 우리 가로 우리 가로 마신다 मैं इस समय सिविल सचिवालय के बाहर हूं, मैं इनसे बातचीत करूंगा। क्या पूरा मामला क्या है? आज सिविल सचिवालय के बाहर आप प्रदर्शन जारी रखें। मामला हमने अभी बताया आपको, जस्ट मामला यही है, चार लड़कों का लिंग परिवर्तन करा गया है। पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, पैसा पकड़ के जो भी वहाँ के पुलिस वाले हैं उन्होंने पैसा खाया है। वो कहती है मेरे पास गुंडागर्दी है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैसा खिला सकती हूँ। हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोग आईजी साहब के पास 3 बारी गए, हमारा इंसाफ नहीं हुआ। हम हर जगह गए, हमारा इंसाफ नहीं हुआ। अब हम गवर्नर साहब के पास आए हैं, हम गवर्नर साहब से हाथ जोड़ के कहते हैं हमें इंसाफ दो, इन चार बच्चों को इंसाफ दो, सोनिया को फांसी दो, अरेस्ट करो, सोनिया के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई कुछ नहीं। वो जहाँ देखो वही पैसा चढ़ा रही है, जहाँ देखो वही पैसा चढ़ा रही है। कोई हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, ठीक है? हमारे यही हमारे पास प्रूफ है। क्या इसके बारे में आपने पुलिस प्रशासन से कंप्लेंट कर ली? हमने कंप्लेंट कराई, हमारे पर्चे लगे हैं। पुलिस वाले कभी किसी केस में, कभी किसी केस में जोड़ देते हैं। कभी रेप केस होता है उसमें कहते हैं इसमें आप जिन जो वो जान पहचान करो। वो रेप केस जो 80-70 साल की बूढ़ी थी उसके साथ रेप केस हुआ था, उसमें हमारा क्या मामला था? उसमें हमें बाड़ा क्योंकि पैसा खाया गया है। हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं कर रहे, हमारे साथ जोर जबरदस्ती हो रही है। देखो चार चार बंदे हैं इधर, देखो इनको अगर आप बोलोगे हम इनको नंगा भी करके आपको दिखा सकते हैं इनके साथ क्या हुआ है, ठीक है? वो पहले क्या बोलते हैं, ये रहते थे कौन सी जगह, बेली चराना। एक बार पकड़ी गए, पकड़ने के लिए आई, वो खुद आई, गुंडे लेके आई, 2 वैन और 1 फॉर्च्यूनर लेके आई। ये बाथरूम में छुपी और बाथरूम में छुप के सब कुछ देखती रही। उसके बाद 2 मेरे और चले, वो भाग गए और इन लोगों को ले गई पकड़ के, मुझे भी किडनैप करके लिया, मारा पीटा सब कुछ किया, पर पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। पुलिस प्रशासन ने उसको कुछ भी नहीं बोला कि तुझे क्या है क्या नहीं है। आज 1 महीना हो गया हमने विक्रम चौक में धरना दिया, वहाँ पुलिस वालों ने हमें घसीट पसीट के हमें गाड़ियों में बिठा लिया, पर हमारी किसी ने नहीं सुनी। क्या ये अगर ये वीडियो के माध्यम से अगर गवर्नर साहब इसको देख रहे हो तो क्या किस तरह की मांग करते हैं? हम यही मांग करेंगे हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारा क्या कसूर है जो हमारे साथ इतना जुल्म किया जा रहा है, ठीक है? सोनिया को अरेस्ट करे, सोनिया को सजा दे। जो सोनिया ने ये किया इनकी जिंदगी के साथ, ये कहाँ जाएंगे? इनका देख रेख कौन करेगा? इनको कौन देखेगा? ये बीमार है, मर मरा जाएंगे, कौन देखेगा इनको? आज तक मैं देख रही हूँ कुछ भी करके मांग मांग के इनको लाती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, दवाई दारू करती हूँ। मैं भी गरीब इंसान हूँ, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जैसे वो पुलिस को पैसा चढ़ा रही है। हमारे पास इतना नोट नहीं है जो हम पुलिस को चढ़ाएं। हम तो यही है, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और क्या करेंगे हम लोग? वो कहती है जेब में पुलिस है, ठीक है? वो कहती है हमारे जेब में पुलिस है, पर हमारे पास कुछ नहीं है। हम यही करेंगे, हम आके धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तभी हमारा कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। हम गवर्नर साहब से हाथ जोड़ के कहते हैं हमें इंसाफ दिलाया जाए। सोनिया को ये पूरा तमाम मामला है और किन्नर समाज इस समय काफी ज्यादा आक्रोश में। सिविल सचिवालय के बाहर जो है प्रदर्शन है वो जारी रखे और कहने की हम आई जी साहब के पास भी 2-3 बार गए पर हमारी सुनवाई किसी ने नहीं करी, हमारे किसी ने नहीं सुना। बोला आ जाओ बैठो बात करो, फलाना ढिमकाना बात भी करी, सब कुछ करा, हमारे साथ इंसाफ किसी ने नहीं करा। यही कहना चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ। रात के 2-3 बजे लड़कों को गुंडों को भेजते हैं, हमको हमारे किन्नर को देख के हाल बना रहा है। मैं सफर में जाती हूँ, मेरे पीछे बुलेट वाले लगते हैं, मेरे को जान से मारने के लिए धमकियां देते हैं, मेरी जान को खतरा है। अगर आपको यकीन नहीं है पीर मिठे थाने चलो, जो गुजरगढ़ से रास्ता जाता है मैं अपने घर की तरफ जाती हूँ, वहाँ जाके देखो। वहाँ मैंने पुलिस वाले को बोला इस भैया इस लड़की लड़का मुझे 3 घंटे से पीछे पीछे, जहाँ मैं रुक रही हूँ वहीं वो रुक रहा है, जहाँ मैं रुक रही हूँ वहीं वो रुक रहा है, इसको बोलो क्यों मेरे पीछे कर रहा है। और वो लड़का मुड़ के भाग गया, मेरे पीछे गुंडे लगाए हैं, मेरी जान को खतरा है। मैं कहती हूँ गवर्नर साहब से हाथ जोड़ के हमारे को इंसाफ दिलाया जाए, हमारी जान बचाई जाए, बस। तो ये तमाम पूरा मामला है, ये किन्नर समाज है और कहने के ही अपना प्रदर्शन जो है और मांग ये है कि जो जिस तरह से ये प्रदर्शन जारी रखे और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। वैसे तो हम खबरों के लिए बने रहे, JK 247 के लिए कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ, धन्यवाद।